किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि मौका उन्हीं को मिलता है जो खुद का मौका खुद बनाते हैं, क्योंकि इस संसार में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। करना आपको खुद पड़ता है, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप आज यहाँ हैं, आपको वहाँ जाना है, तो मेहनत करके ही जाना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि लक होता है, लक 10% 15% बिल्कुल होता है, बट वो 100% कैसे बनेगा जब आप 80% अपना एफर्ट डालेंगे। इस बात को जो जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। स्वागत है जी आपका एक नई वीडियो में, और आज हम बात करेंगे आईटी जॉब मार्केट के बारे में 2026 में कैसा रहेगा, किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, कैसे आप अपना रिज्यूमे स्टैंड आउट कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, जॉब ढूंढ रहे हो, या 26 में आपका प्लान है, मैं हमेशा कहता हूँ कि तारीख बदलती है, साल बदलता है, बट एक टाइम पे आके आपको अपना सेल्फ असेसमेंट जरूर करना चाहिए। अभी दिसंबर मंथ है, आप जरूर सोचिए कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वो मेरे लिए काम अच्छा है, क्या जो मैं पैसे मुझे मिल रहे हैं क्या वो ठीक है, या उस पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। वो सेल्फ असेसमेंट करना बहुत 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 जरूरी है, चाहे मेरे लिए हो या किसी के लिए भी। तो उस पर अगर आप सोचेंगे, विचार करेंगे, तो चीजें आगे स्लोली प्रोसीड होंगी। ये वीडियो बहुत डिटेल होने वाला है, इसमें हम बहुत कुछ बात करेंगे। आज हम इमोशनली नहीं, रियलिस्टिक माइंडसेट के साथ बात करने वाले हैं, और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और कुछ आपको रिसोर्सेज शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिन्हें आप जरूर अप्लाई कीजिए और ट्राई कीजिए। मैं आपको रिज्यूमे फॉर्मेट भी शेयर करूंगा जो आप यूज कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे करंट मार्केट रियलिटी के बारे में, व्हाई हायरिंग चेंज, एआई इंपैक्ट, स्किल्स दैट विल राइज, स्किल दैट विल डिक्लाइन, और सैलरी फोरकास्ट के बारे में बात करूंगा 2026 में कैसा रहेगा, और कुछ ऐसी एडवाइस जो आपको बहुत काम आए। तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है ज्यादा से ज्यादा, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना अलोंग विद बेल आइकन, और कमेंट में बताना आप लोग क्या सोचते हो नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है, कैसा मार्केट रहेगा, आप लोगों का क्या माइंडसेट है। बाकी अगर आप फ्रंट एंड सीखना चाहते हो डिटेल में मेरे से, कंप्लीट फ्रंट एंड बिल्कुल इंटरव्यू रेडी तक, तो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर। अभी न्यू ईयर स्पेशल ऑफर चल रहा है, फ्लैट 20% ऑफ। अगर आप एक्चुअल में अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल चेकआउट करना, मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर। बात करते हैं मार्केट ट्रेंड की, रियलिटी क्या है। देखिए, एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि कोविड के बाद एक बहुत ही बड़ा बूम आया, बहुत लोगों को अच्छे पैकेजेस मिले, अच्छे ऑफर्स मिले, राइट। उसके बाद 22 के बाद ये थोड़ी स्लो डाउन हुई, ले ऑफ स्टार्ट हुए, बहुत सारी कंपनीज करेक्शन फेज में चली गई। करेक्शन फेज कंपनी के टर्म में कैसे, उन्होंने बहुत ज्यादा हायरिंग कर ली। अब सर्विस कंपनी में क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई वाला गेम है। अभी डिमांड है, क्लाइंट को बंदा चाहिए, उनको बंदे मिल गए। अब डिमांड नहीं है तो बेंच पे चले गए। अब बेंच पे भी आप इतना लंबा समय नहीं बिता सकते, कंपनीज की पॉलिसी वहां भी चेंज हो गई है, तो वहां से बंदे रिलीज होने लग गए। बड़ी बड़ी कंपनीज की न्यूज आई, अमेजोन, TCS, हम नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में इतने बंदे रिलीज करेंगे, 12,000, 10,000। तो लोगों को लगने लगा भाई इसका रीजन AI होगा, बट हमेशा कहता हूँ इट इज ऑल अबाउट डिमांड सप्लाई। AI हर जगह रीजन नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, AI को हम हर जगह नहीं घुसा सकते। मैं मानता हूँ कि आजकल ऐसा जमाना है कि आप जो प्रॉम्प्ट करो आपको सब कुछ AI बना के दे देता है। मैं ये भी मानता हूँ कि एज अ डेवलपर अगर मुझे किसी काम में पहले 8 दिन लग रहे तो आज कम समय में वो काम कर लेता हूँ, बट उसके लिए मेरी समझ का सही होना बहुत जरूरी है, मुझे चीजों के बारे में पता होना चाहिए। AI यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप प्रॉम्प्टिंग कर रहे हो या कहीं से कोड उठा रहे हो उसमें कोई खराबी नहीं है। आजकल तो कंपनीज प्रमोट करती हैं कि आप यूज करो AI। मार्केट की अगर बात करें तो वैसा वाला चीज नहीं है कि 200%, 300%, पता नहीं वो समय अब दोबारा नहीं आए मे बी, बट ये है कि हायरिंग स्टिल गोइंग ऑन। आप लिंक्डइन पर जाएंगे, जॉब सेक्शन में जाएंगे, कंपनीज आज भी अच्छा टैलेंट ढूंढ रही है। बट एक पॉइंट निकल के आता है जो मार्केट में मैं देख रहा हूँ कि अब 2026 में ना जो डेवलपर्स कम्युनिटी है, हमारे इंजीनियर्स हैं, वो दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे। जो अपने आप को अपडेट रखते हैं, स्किलफुल हैं, जिन्हें अपनी बात रखने आती है, जिन्हें अपनी बात समझाने आती है, जो फाउंडेशन को समझते हैं, जिन्हें अगर कोई प्रॉब्लम दी जाए वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उनको तरीका पता है, उनको पैटर्न पता है कि इसको ऐसे किया जा सकता है, वो एग्जिस्ट करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। जो जेनरिक कोडर्स हैं, जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं AI पे, जो बस काम करवा तो लेते हैं, कर भी देते हैं, बट प्रूफ नहीं कर पाते अपने आप को या समझा नहीं पाते इंटरव्यू के सामने, वो स्ट्रगल करें। तो हर इंसान को अपनी ना कमियां पता होती हैं, तो उस पर अगर आप काम करेंगे तो आप शिफ्ट हो सकते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में, जो वो डेवलपर्स हैं जो बात को समझा भी पा रहे हैं, पैटर्न्स को भी समझा पा रहे हैं। तो आपको उस हिसाब से फिगर आउट करना पड़ेगा। अगर आप वो फिगर आउट नहीं करेंगे तो आप रिप्लेस भी हो सकते हैं, या फिर आपको अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी। ये रियलिटी है, इस चीज को समझना हमें बहुत जरूरी है, चाहे आप फ्रंट एंड में है, बैक एंड में है, फुल स्टैक में है, डेवऑप्स में है, क्लाउड में है, किसी में भी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको समझना पड़ेगा कि इस रोल के लिए, इस जॉब डिस्क्रिप्शन में जो लिखा है, मैं अप्लाई तो कर रहा हूँ, अंधाधुंध क्या मेरे पास
पास वो स्किल्स हैं भी। अब बहुत बार क्या होता है, लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, भाई मैंने 100 जगह अप्लाई किया, 150 जगह अप्लाई किया, बट भाई उनके जेडी में वो चीज़ जो लिखी है वो तुम्हारे पास है ही नहीं, तो अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो स्किल सेट मैच हो जाता है तो डायरेक्ट आपको HR रीच आउट कर ले या आपको मेल कर दे, राइट। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट ठीक है, AI है, मैं कैसे AI को यूज़ कर सकता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप चाहे AI से बिलोंग भी नहीं करते, आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं, बैक एंड डेवलपर, बट यू शुड नो ना AI, GenAI, RAG, VectorDB, ये सब चीज़ें क्या है। अगर आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होगी, आपको AI एजेंट समझ आते हैं, आपको वर्कफ्लो बनाना आता है, दीज आर, यही तो है अपस्किल करना अपने आप को, चाहे यूज़ हो रही हो ना हो रही हो। तो पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। जो इंसान पैशनेट है ना, तो वो कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकता, वो जगह बना लेगा। मान लो किसी वजह से किसी इंसान का ले ऑफ हो गया, बट उसके पास वो कॉन्फिडेंट है, स्किल्स हैं, तो महीना वेट कर लेगा, उसको जॉब मिल जाएगी। तो इस तरीके का अगर आप माइंडसेट लेके IT में आ रहे हैं, IT में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। मैं आपको बहुत रियलिटी के साथ बहुत ओपन बात कर रहा हूँ आपसे, जैसे आप घर में बैठे हो, मैं बस एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, और आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखना कमेंट सेक्शन के अंदर। तो इस तरीके से चीजों को समझिए, वो टाइम वापस नहीं आने वाला कि 300% हाइक मिल रहा है, 400% हाइक मिल रहा है। ठीक है, वो टाइम था ऐसा, कंपनी को बहुत ज्यादा जरूरत थी, कॉम्पिटिशन था कंपनी के बीच, फटाफट से ले आओ क्योंकि उनके ऊपर ही प्रेशर था, बट अब वो टाइम नहीं आने वाला। हायरिंग का जो पैटर्न चेंज हुआ है या फिर कंपनीज के अंदर DSA वाली फिल्ट्रेशन राउंड, जैसे फर्स्ट मैंडेट DSA है, अब इतना क्राउड है यार, आप खुद सोचो, कंपनी को कोई ना कोई तो क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा ना कि भाई चलो इस बेस पे अगर आपका वो टिक है तो मोस्ट वेलकम फॉर द सेकंड राउंड, पर DSA अच्छा है। बेसिक लेवल ऑफ DSA और आई वुड से ब्लाइंड 75 आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चाहे आप सर्विस कंपनी को टारगेट कर रहे हो या आप प्रोडक्ट कंपनी को टारगेट कर रहे हो। अभी एग्जांपल देता हूँ, मेरी किसी से बात हो रही थी, उनका एक्सपीरियंस 4.5 साल का है, अभी वो ट्राई कर रहे हैं, सर्विस कंपनी भी आजकल DSA के अच्छे क्वेश्चंस पूछ रही है। तो ब्लाइंड 75 जरूर करें, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको पता लग जाएगा कौन कौन से पैटर्न होते हैं, आप ऑन द जॉब हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करते रहें, तभी आपको एक अच्छी कंपनी में मौका मिल रहा होगा। अब क्या होता है कि जैसे हायरिंग चेंज का क्या एग्जैक्ट रीजन क्या है, देखो पहले क्या होता था, बंदा लाओ, ट्रेन करो, प्रोजेक्ट में डालो। अब कंपनीज का ऐसा है कि भाई बंदा ऑलरेडी सीखा सिखाया आया हो, थोड़ा काम किया हो, उसका फाउंडेशन, उसको चीज़ें समझ आती हो, अगर उसको हम किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में डाल दें तो वो बैठा ना रहे, हेल्प ना करता रहे, 60% 70% 80% उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लायक हो, ये आजकल कंपनी का माइंडसेट है। हाँ, JD है, ठीक है, JD मैच होगा तो पहले आप नहीं जाएंगे, आपका रिज्यूमे जाएगा, नो डाउट, मैं इस चीज़ को समझता हूँ, बट रिज्यूमे में राइट चीज़ें डालना एज पर JD, वो किसकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, पैटर्न बिल्कुल बदला है, और जो कंपनीज में लोग हायर करते हैं टैलेंट को, उनका भी माइंडसेट बदला है। तो रिज्यूमे उसमें वन ऑफ द रीजन है कि आपका सही रिज्यूमे होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपसे जब बात होगी तो आपके पास वो राइट स्किल्स हैं नहीं है, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी एज ए इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, क्योंकि हर पर्सनैलिटी अपने आप में अलग अलग है। अब बात करते हैं AI इम्पैक्ट के बारे में। देखिए, हम सुनते आ रहे हैं 2021 से 2022 इतने सारे LLM मॉडल्स आए, कंपनीज आई जा रही हैं, कुछ ना कुछ नया निकाले जा रही हैं, पर हम तो आज भी काम कर ही रहे हैं या आप भी काम कर ही रहे हो, ये चीजें आती रहेंगी, हम सुनते आ रहे हैं। जब GitHub Copilot आया, वो अब तो डेवलपर्स रिप्लेस हो जाएंगे, फिर ChatGPT आया, है ना। देखिए, मैं आपको सिंपल इसका एक सिंपल वन लाइनर आंसर देता हूँ, आप बिल्कुल यूज कीजिए, मैं भी यूज करता हूँ AI, बट आपको समझ होनी चाहिए, आपको कोड लिखना आना चाहिए, अगर ChatGPT ना हो तब भी आप कोड लिख सके, क्योंकि इंटरव्यू में वो AI मॉडल आपको यूज करने नहीं देंगे, आप खाली हाथ जाएंगे, आपके हाथ में कीबोर्ड होगा, आपको कोड करना होगा, अगर आप वो कर सकते हैं कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ChatGPT यूज करो, कैसे भी उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, बट इंटरव्यू के राउंड्स जो आपके 4-5 होने वाले हैं, वहां पे आपकी एक्चुअल समझ चाहिए ही चाहिए, कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो इससे क्या समझ आता है, इससे ये समझ आता है कि आपको एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर होना बहुत 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 जरूरी है। इसलिए ऑन द जॉब हो तो अपने आप, ये नहीं अब जॉब है ठीक है, कुछ भी परमानेंट नहीं है भाई, प्राइवेट जॉब है, जॉब सिक्योरिटी प्राइवेट में नहीं होती है, ये मैं साफ बोलता हूँ आपको। जब तक कंपनी को आपसे काम निकल रहा है, आपसे निकालेंगे काम, जिस दिन काम खत्म, तू कौन मैं कौन, दिस इज रियलिटी। बहुत अच्छे अच्छे यार लोग, अच्छी अच्छी पोजीशन पे लोग ले ऑफ हो जाते हैं, तो किसी चीज को दिल से ना लगाया जाए, अपने आप पे काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो यार, और खुश भी रहो, ऐसा नहीं कि खाली एक चीज में परेशान रहो, बैलेंस रखो। अब हम बात करते हैं स्किल्स दैट विल राइज। देखिए, एक चीज है, वेब डेवलपमेंट कहीं नहीं जा रहा है,
चाहे फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, फुल स्टैक हो। हालांकि मैं नेक्स्ट वीडियो डिटेल में कवर करूंगा टॉप हाई पेइंग स्किल्स जो 2026 में रहेंगे। आप बताना कमेंट सेक्शन में मैं करूं ना करूं, तो हम नेक्स्ट इसको जरूर कवर करेंगे डिटेल में। साइबर सिक्योरिटी हो गया, बहुत डिमांड होने वाली है, डेवऑप्स, क्लाउड, ये रोल्स कहीं नहीं जा रहे। इन जितने भी रोल्स हैं, चाहे सेल्स फोर्स हो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो, इनके बिना हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अधूरा है। आप इनके बिना प्रोडक्ट को शिप नहीं कर सकते। तो हर रोल का अपना एक इंपॉर्टेंस है। अगर आप जिस भी रोल में अभी है, घबराने की जरूरत नहीं, बस अपने आप को बेटर करते रहिए। जैसे सामने से डिमांड है, जैसा जीडी है, अपना रिज्यूमे उस हिसाब से ट्वीक कर लो। फेक इट अंटिल यू मेक इट। थोड़ा बहुत ट्वीक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने लिए फाइट करना, अगर थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ रहा है, अगर आप 75% बेटर है, 25% बेटर नहीं है, बट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी के लिए आपको करना पड़ रहा है, तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वो इंटरव्यू निकाल सकते हो, आपको अगर वो कॉन्फिडेंस है तो। अब स्किल्स जो है डेट विल डिक्लाइन। मुझे लगता है हर स्किल की अपनी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। पैसे कम ज़्यादा हो जाते हैं जैसा स्किल होगा, बट मुझे लगता है अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं ट्यूटोरियल बेस्ड नॉलेज पे, आपको बस एक सीधा तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने आती है, थोड़ा उसको अगर घुमा दे तो आप नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मेरे को लगता है एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। जब आप एक गलती करते हैं तो आपके लिए एक्सपीरियंस है, या आप कुछ अच्छा करते हैं आपके लिए एक्सपीरियंस है। वो चीज़ें जरूर डिक्लाइन होंगी, ऐसे स्किल्स जो एज अ इंडिविजुअल मैं कुछ सीख रहा हूँ या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सीख रहा हूँ, बहुत जेनरिक है, बिल्कुल मैं रिप्लेस हो जाऊंगा। ऑलवेज ट्राई टू ऐड दोज थिंग्स विच आर रिलेवेंट एज पर दी मार्केट, कि कंपनीज क्या डिमांड कर रही हैं, या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तीन और पैटर्न होते हैं, तो वो जरूर कीजिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पे मत जाइए, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन टुवर्ड्स चाहिए। अगर आप वो करते रहेंगे, आपकी स्किल्स जिस चीज में आप काम करें वो डिक्लाइन नहीं होगा, आप आगे ही बढ़ेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बात करते हैं सैलरीज की। देखिए, नो डाउट आईटी में आज भी मैं मानता हूँ पैसा है, डिमांड है, बट क्या होता है समटाइम कि आप अभी किस पैकेज में है। मैं आपको बताऊं, जो एवरेज पैकेज रहते हैं नॉर्मली 7-12 की रेंज में रहते हैं, जो काफी सारे डेवलपर्स उस रेंज में काम कर रहे होते हैं। उससे जो और ऊपर वाला स्लैब है, जो मिड वाला स्लैब है, वो है 13-25 का। उससे ऊपर फिर 25-40 तक का स्लैब है, जो मैक्स कैप में आ जाता है सर्विस कंपनी, जो जहाँ पे कैप लगा देती है 8-9 साल के एक्सपीरियंस में। मैं हमेशा कहता हूँ पैकेज का जो हिसाब किताब है ना, वो मैटर करता है आपके करंट पैकेज पे कितना है, उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट हाइक मिलेगा, कितने ऑफर्स आप होल्ड करके बैठे हो, उसके हिसाब से आप नेगोशिएशन कर सकते हो। तो कोई लिमिट नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, चाहे 26 भी आएगा, 27 भी आएगा, लिमिट कुछ नहीं कि भाई ये कैप लगी है। 40 के ऊपर सर्विस कंपनी की कैप है, उससे ऊपर अगर आपको जाना है तो आपको प्रोडक्ट कंपनी से टारगेट करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ का बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग होता है यार। वो अपने प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, वहाँ रेवेन्यू ज्यादा है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, क्लाइंट के अपना कुछ बजट होता है, उसके हिसाब से तो डेवलपर को दिया जाएगा। तो उस हिसाब से अपनी कंपनी सिलेक्ट कीजिए और उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। अगर आप ये सब चीजें समझ जाएंगे ना, हालांकि आप में से ऐसा नहीं, कुछ लोगों को पता होंगी ये चीजें, बट क्या होता है हम इग्नोर कर देते हैं, या ठीक है यार चल रहा है जैसा चलता रहे, बट कोई शॉर्टकट नहीं है। एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप फ्रेशर हैं, ये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा एडवाइस है आप लोगों को, DSA जरूर कीजिए, ब्लाइंड 75। जब आप कर लेंगे, आपके पास 75 तरीके के पैटर्न्स होंगे। एक छोटी प्रॉब्लम कैसे एक बड़ी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है, आप अच्छा कोड लिख पाए, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन लिख पाए, आप किसी भी जावास्क्रिप्ट में है कोई दिक्कत नहीं, आप रिएक्ट में अच्छी बात है, बट प्रोडक्ट कंपनी निकालने के लिए, या मैं कहूँगा कोई भी कंपनी निकालने के लिए, अब DSA जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, मैंडेट हो गया है, आपका फर्स्ट राउंड होगा ही होगा, चाहे मेरे लिए भी क्यों ना हो। ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए सिस्टम डिजाइन बहुत मैटर करता है। दो राउंड आपके सिस्टम डिजाइन पे हो रहे हो, एक हाई लेवल पे हो रहा हो, एक लो लेवल पे हो रहा हो, क्योंकि मुझे सॉल्यूशंस बना के देने हैं, एज अ सिंगल कंट्रीब्यूटर काम करना है, मेरे लिए उस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलग हो, बट फॉर इनिशियल एक्सपीरियंस जो 2-3 साल है, उनसे DSA एक्सपेक्ट किया जाएगा। और कुछ कंपनीज हैं ऐसी आज भी, एटलाशन है, ओपन टेबल है, अगोडा है, ऐसी कंपनीज डायरेक्ट अभी वेब डेव के अराउंड क्वेश्चन पूछती है, बट वो फिर आपको सेल्फ एक लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, अच्छा ये कंपनीज है जो नहीं पूछती है या मुझे नहीं करना है DSA। ऐसे लोग हैं यार जो अच्छे पैकेज में काम कर रहे हैं लाइक मी, ठीक है, बट ठीक है मुझे अगर इससे ऊपर जाना है या एडिडास से ऊपर जाना है तो मुझे DSA करना पड़ेगा, अगर मुझे वो वाला स्लैब चाहिए, सैलरी स्लैब चाहिए 90 और 1 CR वाला। इट्स ट्रू, वेरी ट्रू। तो मेच्योरिटी के साथ इस चीज को समझा जाए और अपने आप को बेटर वर्जन बनाया जाए, 2026 आपके लिए बहुत बेटर हो। बट एक चीज ध्यान रखिए, घबराना नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखना है, और सामने वाले की जो नीड है, अगर आपके वो रिज्यूमे में है तो उनको देने की कोशिश करनी है। आपका रिज्यूमे जरूर शॉर्टलिस्ट होगा, बट एक चीज ध्यान रखिए, हालांकि मैं फॉर्मेट आपको दे दूंगा वो आप यूज कर सकते हो, और जो वेब डेव वाले रिसोर्सेज है आपको वो दे दूंगा, वो भी चेकआउट कर सकते हो, बट एक चीज ध्यान रखिए कि जॉब जो है ना हमारी लाइफ में एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट नॉट लेस देन एनीथिंग। पैसा जरूरी है लाइफ में, जब पैसा होता है तो कॉन्फिडेंस, चाल, सब कुछ अलग होती है, बट उसके लिए मेहनत
और पॉजिटिव इंटेंट के साथ काम करते रहिए अपने आप पे। अगर आज नहीं है तो समझिए, जहां हूं इतना ही अभी डिजर्व करता हूं, वहां जाने के लिए थोड़ा मुझे अपने आप पे काम करना पड़ेगा। जो इंसान इस चीज को समझ गया ना, उसे कभी भी डीमोटिवेशन और मोटिवेशन भी, बिकॉज दीज आर टेम्परेरी कीवर्ड्स, कंसिस्टेंसी इज द ओनली की। सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, एंड 2026 आपके लिए बहुत सारी जॉब लेके आए, एंड आप मेहनत करते रहिए, रास्ते अपने आप बनेंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड लाइक एम इस 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बाकी अगर आप रिएक्ट सीखना चाहते हैं, कंप्लीट रिएक्ट 37 आवर्स का कंटेंट है, 240 लेक्चर्स हैं, जितना फ्रंट एंड में होता है, जितना मैंने सीखा है, जैसे कंपनी में काम होता है, वो सब मैंने कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करी है। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है न्यू ईयर का, फ्लैट 20% ऑफ, आप चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।